हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज किसी नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, तो फ्रेंड्स 2 साल पूरे मेहनत करने के बाद आज जो है गूगल एडसेंस पेन हमारे पास आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आता है। और दोस्तों, अभी हम इसको फाड़ेंगे और फाड़ करके जो है इससे पेन निकालते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। पूरा फाड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों, आपके ऊपर ही इस तरह से लोगो बना रहता है एडसेंस का। और दोस्तों, जो ये होता है, यहाँ पर लिखा होता है आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है, ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ पर जो है वो एड्रेस लिखा होता है जहाँ से ये आपका एडसेंस पर आता है, तो वहाँ का एड्रेस दिया होता है। और दोस्तों, कुछ इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है ऊपर के कवर में, एडसेंस पेन के ऊपर वाले कवर में, ठीक है ना। अब दोस्तों, जो आपका पेन है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से ऐसे कट करने के बाद, निकालने के बाद, अब हम इससे पेन निकालते हैं अपना एड्रेस पेन से खोल करके निकालेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से लोगो होता है। और अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसे भी फाड़ना होगा। चलिए फाड़ लेता हूँ, और फाड़ने के बाद मैं आपको जो है इसे पूरा खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों, 3 साइड से खुलता है और एक साइड से, और आप लोग देख सकते हैं अंदर जो है इस तरह से लोगो मिलेगा, ठीक है ना। और फिर दोस्तों, जो आपका पेन है, तो ये आपका एड्रेस पेन होता है। आप लोग देख सकते हैं ये अंक सही नहीं आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है आपका इस तरह से एडसेंस पेन होता है, ठीक है ना। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एडसेंस पेन को वेरीफाई कैसे करते हैं। दोस्तों, जब फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर बढ़ते वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों मुझे कितना टाइम लगा एडसेंस पेन को पाने में। यानी कि दोस्तों, यदि आप लोग भी गांव से हैं मेरी तरह जैसे, दोस्तों आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने घर के पीछे जो बारी होती है, यानी कि खेत होते हैं, तो वहां पर खड़ा होकर के और वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पीछे जो है ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, माल पानी, ठीक है। मैंने एडसेंस पेन को कब अप्लाई किया दोस्तों, मैं उस तारीख बता देता हूँ, और उस तारीख से कितने दिन बाद मेरा एडसेंस पेन आया है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है वो अभी अभी हुआ, मतलब एडसेंस पेन को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट में $10 नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकाउंट में $10 नहीं था, तो मुझे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और दोस्तों, यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मैंने वेट किया। जब दोस्तों मेरे एडसेंस अकाउंट में $10 कम्प्लीट हो गए, उसके बाद दोस्तों एक्शन बटन आता है, फिर वहाँ से दोस्तों आपको एक ID प्रूफ देना होता है। तो फ्रेंड्स, उसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर आई बटन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स, आपको देख लेना है कि एडसेंस अकाउंट पर कैसे एक्शन बटन आती है $10 कंप्लीट होने के बाद, एंड दोस्तों उसे कैसे वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे वेरीफाई करने के बाद ही आपका एडसेंस पेन आता है आपके एड्रेस पर। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के बाद लगभग 2 हफ्ते तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मुझे पता था कि जो मेरा गाँव है, जो मेरा शहर है, वो दिल्ली या मुंबई से बहुत दूर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में एडसेंस पेन को। तो 2 हफ्ते दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद दोस्तों 2 हफ्ते के बाद मैंने अपने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ गया 2 हफ्ते के बाद, तो पता चला कि एडसेंस पेन नहीं आया। तो दोस्तों वहाँ मुझे थोड़ी सी निराशा हो गई कि अब तक क्यों नहीं आया होगा। 2 हफ्ते में तो काफ़ी दूर से ये कोई भी सामान आ जाता है बड़ी आसानी से, यदि हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो। अच्छा नहीं, मैं घर आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों दोबारा से 3-4 दिन बाद गया, तो दोबारा से दोस्तों वही हाल रहा, मतलब कि एडसेंस पेन नहीं आया था। मैंने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकिया से पूछा, तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपके इस नाम से, आपके एड्रेस से कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों पहली बार मैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, वो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या आने वाला था, ट्रैकिंग ID क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्रैकिंग ID हमें जल्दी ढूंढने को नहीं मिलती है। जीमेल अकाउंट पर मैंने बहुत देखा है, लेकिन ट्रैकिंग ID नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, जब आप एडसेंस पेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर टाइम लिखा होता है कि आपको 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं आपके एडसेंस पेन को आपके लोकेशन तक आने में, ठीक है ना। तो इसी तरह से 2 हफ्ते और निकल गए, यानी कि 1 महीना निकल गया, और दोस्तों एडसेंस पेन मुझे नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि मैं दोबारा अप्लाई कर दूँ, दोबारा अप्लाई का भी ऑप्शन रहता है, तो मुझे लगा कि मैं दोबारा अप्लाई कर दूँ, लेकिन दोबारा अप्लाई मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि यार, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस था, तो वहाँ से मुझे क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार, मैंने एड्रेस तो सही डाला है। दोस्तों, यदि आपने एड्रेस सही डाला है, तो आपका एड्रेस ज़रूर आएगा। 2 हफ्ते और वेट किया, तो यानी कि 6 हफ्ते हो गए इस तरह से दोस्तों। तो 6 हफ्ते के बाद दोस्तों, मैं तो 1 महीने 2 हफ्ते होने के बाद, मैं एक बार फिर से गया अपने शहर, यानी कि जहाँ पर मेरा पोस्ट ऑफिस थे, और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पर गया और वहाँ पर पूछा, तो फिर वहाँ पर मेरा जो है एडसेंस पेन आ चुका था। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मेरा एडसेंस पेन दे दिया। तो दोस्तों, जब मुझे उन्होंने मेरा एडसेंस पेन दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई यार, कि आखिर इतने दिनों की मेहनत करने के बाद जो है मेरा एडसेंस पेन आ चुका है।
अब दोस्तों घर जाकर इसे वेरीफाई करूँगा और इसके बाद यूट्यूब से कुछ अर्निंग आई है। तो दोस्तों बस यही खुशी थी। एंड दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर मोबाइल से ही काम करते हैं, मोबाइल से ही काम चलाते हैं, जैसे कि मैं काम चलाता हूँ मोबाइल से ही। मेरे पास भी दोस्तों अभी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मोबाइल से ही बताने वाला हूँ कि मोबाइल से एडसेंस पेन को वेरीफाई कैसे करते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि एडसेंस में लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो ये वाला वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। तो गूगल एडसेंस में लॉगिन कैसे करते हैं तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों मैं सीधा जाता हूँ अपने एडसेंस अकाउंट पर और वहाँ से आपको वेरीफाई कैसे करना है ये बताता हूँ। अभी दोस्तों जब आप अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाएंगे तो दोस्तों इसको करना क्या है, सबसे पहले इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलना है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट पर खोल सकते हैं ये 3 डॉट से, और यहाँ डेस्कटॉप साइट पर ओके कर दीजिए। और डेस्कटॉप साइट पर खोलने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 3 लाइन है, तो इस 3 लाइन पर जाना है आपको। और 3 लाइन पर जाने के बाद यहाँ एडसेंस फॉर यूट्यूब पर सिलेक्ट करना है। और दोस्तों एडसेंस फॉर यूट्यूब पर सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो आपको इस पर ही वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ, और वेरीफाई करने के बाद देखता हूँ। अभी दोस्तों कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है एंटर, यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो एंटर द पिन दैट वी नी मेल्ड टू यू बिलिंग एड्रेस, यानी कि वो वाला पिन एड्रेस, यानी कि पिन यहाँ पर एंटर करना है जो कि आपको भेजा गया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और वो पिन डालना है दोस्तों जो अभी आपको आए हैं। लेकिन दोस्तों आपको कहीं भी गलती नहीं करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यू हैव 3 अटैम्प्ट्स रिमेनिंग, यानी कि यदि आप गलती करते हैं तो केवल 3 बार ही आपको चांस दिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देख देख कर ही डालिए, 6 अंक का कोड है, कोई मुश्किल कोड नहीं है, तो आराम से डालिए। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मेरा कोड है। तो मेरा कोड है दोस्तों 07092, इस तरह से दोस्तों जो मेरा कोड आया है। तो दोस्तों इसे डालने के बाद सबमिट नहीं करना है, इसे एक दो बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आया हो मेरा 07092, सही है दोस्तों, एक बार फिर से मिला लेते हैं 07092 07092। अब दोस्तों अब आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इसे सबमिट करना है, देख करके चेक करके, ठीक है ना। और यहाँ सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका एडसेंस पिन वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडसेंस वेरीफिकेशन कंप्लीटेड, यहाँ पर आपका एडसेंस वेरीफिकेशन एड्रेस वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अभी भी आपको एक्शन बटन शो हो रही होगी, तो इसकी टेंशन ना करें, आपका जो है एडसेंस पिन वेरीफिकेशन हो चुका है, एड्रेस वेरीफिकेशन। तो अब ये अपने आप ऑटोमेटिक हटता रहेगा, कभी भी हमको करना क्या है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है वो उसका वीडियो मैं आप जल्द ही बनाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कोई भी, यानी कि जो पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड आपको यहाँ से डालना होगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।